हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ फ्रंट बैंक कट का परफेक्ट तरीका। बैक स्ट्रेट कट का काफ़ी लंबी लेंथ निकली है और बहुत पतले बाल हैं, इस तरीके से आप पतले बालों में कटिंग कर सकते हो। और ये जो आपको मेरा हेयर कलर दिख रहा है, इसका वीडियो भी मैंने पोस्ट कर दिया है, तो वो आप चेक कर लेना कि कैसे किया है मैंने। ब्लीच से बालों को हाईलाइट किया है। कई सारे मतलब मेरे सब्सक्राइबर को समझ में नहीं आया कि ब्लीच से हाईलाइट कैसे करें और कैसे अच्छा कलर आएगा। आप देख सकते हो मेरे बालों में काफ़ी अच्छा कलर आया है, तो अगर जिसको भी ना समझ में आया हो प्लीज़ वो वीडियो चेक कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और इस तरीके से अगर आप करोगे तो उस वीडियो मैंने बता रखा है तरीका, बिल्कुल सही तरीका, और कितना रखना है, किस टाइप से आपको यूज करना है, सब कुछ बताया है, तो वो वीडियो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। आई बटन पर क्लिक करके और भी वीडियो देख सकते हैं आप मेरे चैनल की। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर जरूर कीजिएगा, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख सकें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है फ्लोर पे गिरे हुए हेयर जो इनके कट हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लेंथ निकली थी बट बहुत पतले थे इसलिए इतने ऐसे दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इनके हेयर की हेयर का वॉल्यूम और ग्रोथ और लेंथ सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने सबसे पहले इनको कटिंग शीट लगा दिया है, और जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, बालों को पहले गीला कर लेंगे और अच्छे से टैंगल रिमूव करेंगे। तो अच्छे से पहले मैं यहाँ पर इनके बालों को संभाल ले रही हूँ। ओके, अच्छे से टैंगल रिमूव कर लेना है, कोई भी टैंगल नहीं रहना चाहिए, मतलब उलझन नहीं रहना चाहिए, पूरा अच्छे से सुलझा लेना है बालों को। आप कौन सी डिजाइन काटी है अपनी? बहुत बाल अच्छा हो गया, टाइमिंग कितना? तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पतला है नीचे से, तो मैं इतना लेंथ इनका निकाल दूँगी। और पहले जब भी आप स्ट्रेट कट करते हो तो ज़रूरी है कि आप बालों की मिडिल पार्टिंग ज़रूर निकालें, बीच से मांग ज़रूर निकालें, क्योंकि उससे क्या होगा कि बीच से मांग रहेगी तो बाद में अगर कटिंग होने के बाद से अगर आप तिरछी मांग निकालते हैं किसी भी तरफ का, मतलब बालों को साइड देते हैं, तो आपके बालों का मतलब लेवल एकदम इक्वल दिखेगा। अगर आप साइड बाल से कट कर देते हो तो आपके बाल, जैसे अगर आप साइड से कट कर दिया फिर आपने बीच मांग निकाली, तो दूसरी साइड के बाल आपके छोटे बड़े दिखने लग जाएंगे। इसलिए जब भी आप स्ट्रेट कट करते हो, यू कट करते हो, वी कट करते हो, तो आपको मिडिल पार्टिंग जरूरी ध्यान में रखना है, बीच की मांग जरूर निकालनी है। ओके, तो यहाँ पर मैंने इनके बालों को अच्छे से सुलझा लिया है, तो अभी चलते हैं इनकी कटिंग करने। तो इतना लेंथ निकालना है जितना मैंने कॉम रखा था, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही निकालना है। तो चलिए कट करते हैं। भी अच्छा, मैं इसलिए इतना कॉम कर रही हूँ कि बालों में एक भी टैंगल उलझन नहीं रहनी चाहिए, इसलिए इतना कॉम कर रही हूँ, तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो ये देखिए इतना मैंने कट कर दिया, 7 से 8 इंच तक लेंथ इनकी निकल दी है। और आप लोग को कोई भी मैसेज वगैरह करना हो तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है Preet Tiwari 24, से तो प्लीज़ वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ओके, तो ये स्ट्रेट कट हो गया है, जहाँ से थोड़ा सा अधिक कम ज़्यादा लगे वहाँ से आप फिर से कट कर सकते हो। ओके, तो अभी चलते हैं बैंक्स कट की तरफ। तो ये वाला तरीका बैंक्स कट का बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत अच्छा कट आता है और बहुत ही स्टाइलिश सा लुक आता है, तो आप ये वाला कट कर सकते हो। तो चलिए बता देती हूँ कि कैसे कट करना है, पहले आप इसका फाइनल लुक देख लो। ओके, सीधा चाहिए तो हो ही जाएगा, और जहाँ भी ऊपर नीचे है वहाँ से आप कट कर लो, सीधा हो जाएगा। तो ये देखिए पूरा स्ट्रेट कट अच्छे से हो गया है। और अभी चलते हैं हम लोग बैंक्स कट की तरफ। तो इनका फेस मैंने इधर कर दिया है, और अभी मैं पूछ रही हूँ कि आपको किस टाइप का बैंक्स चाहिए, दोनों साइड से, एक साइड से, बीच से, कैसे चाहिए। तो इन्होंने बोला एक साइड से आने वाला, तो ये वाला जैसे मैं बता रही हूँ ये आप किसी भी साइड करोगे तो अच्छा सा बैंक्स निकल के आएगा। तो पहले आपको भी शेप में इस तरीके से मांग निकाल लेनी है। ओके, भी शेप में इस तरीके से निकालना है, देन ऊपर की तरफ कॉम करके ले जाना है। ओके, ऊपर की तरफ फॉर्म कर लीजिए, अच्छे से बी शेप अपना बना लीजिए। अभी मैं दिखा देती हूँ किस टाइप का शेप निकालना है आपको। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बी शेप का इस तरीके का निकाल लेना है, और बीच से हाफ ऑफ पार्टिंग कर लेनी है। उसके बाद आपको कस्टमर से लेंथ पूछनी है, इनका थोड़ा सा शॉर्ट बना रही हूँ मैं बैंक्स, बाकी आपको कस्टमर को जितनी लेंथ, ये लॉन्ग में शॉर्ट में ये वाला बैंक्स बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत अच्छा दिखता है, लॉन्ग भी कटवाई तो भी और शॉर्ट कटवाई तो भी। तो मैं इनका नोज के लिप्स के पास तक का लेंथ लेके इस तरीके से कट कर दूंगी, और फिर जो हमने पीछे छोड़ा था उसको भी उठा लेंगे हेयर को, और इस तरीके से स्ट्रेट कॉम करेंगे। जो आगे वाला लेंथ है आपका, आगे वाला जो हमने कट किया अभी लिप्स तक, तो इसको ठोड़ी तक, मतलब 1 इंच लंबा कट करना है।
फ्रंट वाले बैंक से, और बहुत ही सुंदर सा बैंक्स निकल के आएगा आपका। ये देखिए ये वाला हेयर निकल गया, और एक इंच लॉन्ग यहाँ से कट कर देंगे। तो इस तरीके से कट कर दिया, ये देखिए कितना प्यारा सा बैंग्स कट आ गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल फुल लगता है। आप लंबा रखिए, छोटा रखिए, लॉन्ग रखिए, शॉर्ट रखिए, आपकी मर्जी है। तो आई होप आप लोग को कटिंग अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइज, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना भूल जाते हो, बेल आइकन पे प्रेस करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और भी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। तो ये है फ्लोर पे गिरे हुए हेयर्स। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हेयर कटिंग कैसे करते हैं। और हेयर कटिंग के साथ आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, आई बटन पर क्लिक कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, और लोगों को भी मेरे चैनल के साथ जोड़िए। और हाँ, रात को ऑनलाइन फ्री ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स बताती हूँ 8:30 बजे, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।